గేట్స్ అయితే పెట్టేయండి, అవసరం లేనివి మనం ఫర్ ద సేఫ్టీ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లోజ్ ఫ్యూ యూ కెన్ లాక్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ మార్నింగ్ అవర్స్ ఈవినింగ్ అవర్స్ అది అది తర్వాత మ్యాన్ పవర్ మ్యాన్ సార్ पिछले कई महीनों में केबीआर पार्क के चारों तरफ थोड़े एक दो इंसिडेंट्स हुए, उसको नज़र में रखते हुए आज मैं हमारे जोनल कमिश्नर रवि किरण साहब और एडिशनल डीसीपी सिद्दीकी, हमारे एसीपी डीसी इस्लावत जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और थोड़े जनरल पब्लिक से भी यहाँ बात करने के बाद थोड़े हम लोग ओके फोर स्टेजेस में इस प्रोग्राम का जो भी इधर सिक्योरिटी का मसला है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आज कई हम लोग डिसीशंस लिए। इसमें एक तो पार्क के अंदर जो पब्लिक वॉक करने आते सवेरे और शाम, उनके लिए सेफ्टी के लिए उनके लिए क्या करना है, किस तरह का इधर लाइटिंग है, कैमरास का सिस्टम क्या है, वो सब मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से भी हम लोग अभी समझे। उसके बाद बाहर का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पब्लिक जो आउटर पेरीफेरी में वॉक करते उसके लिए क्या करना है, कई कैमरास काम नहीं कर रहे, कई लाइटिंग पोल्स भी थे इससे पहले इंस्टॉल करे सो, कई इलेक्ट्रिसिटी पोल्स भी काम नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब भी नहीं काम कर रहे। सो आज ये पूरा हमारा मीटिंग, कोऑर्डिनेशन मीटिंग का यही मतलब इंटेंशन था कि ये पूरे जितने भी लाइट्स है वो पूरे फिर काम करें, जितने भी सीसीटीवी कैमरास नहीं काम कर रहे थे वो भी काम करें, और जिधर ज़रूरत है कैमरास नए कैमरास को इंस्टॉल करना, और जिधर भी लाइटिंग कम है उधर भी लाइटिंग और ज़्यादा बढ़ा के 100% ये वुमेन जो भी वॉक कर रहे या मेन ओल्डर पीपल वॉक कर रहे सीनियर सिटीजन वो सबकी सेफ्टी नज़र रखते हुए आज
हमारे डिप्टी एक जोनल कमिश्नर रवि किरण साहब भी आज हमारे को ये वादा दिए कि 100 लाइट्स तक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स तक ये लोग इंस्टॉल करेंगे, और हम लोग भी CSR या बाकी जितने भी गवर्नमेंट फंड्स है उसको यूटिलाइज़ करते हुए करीब 70 CCTV कैमरास का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। आगे एक महीने में ये पूरा 100% यहाँ पे पूरा जो भी हम लोग सोच रहे थे कि लाइटिंग कैमरास और सिक्योरिटी बढ़ाने की इधर जो भी हमारा पब्लिक का मांग था 100% एक महीने में ज़रूर ये पूरा होगा। आज से शुरू करके एक हफ्ते में पूरा लाइटिंग का भी फिर 100% GHM से ऑफिशियल्स भी अभी एग्जामिन कर रहे हैं, वो एक हफ्ते में लाइटिंग का काम हो जाएगा। उसके बाद में आउटर पेरीफेरी के जितने भी गेट्स थे, कई उसमें गेट्स भी फंक्शनल नहीं है, वो आज शुरू करके वो गेट्स भी एक वन वीक में एक 10 दिन में हमारे जोनल कमिश्नर साहब बोले कि वो भी रेक्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद में ये CCTV कैमरास का थोड़ा इसका वायरिंग वो सब टाइम लगता है उसके भी।